हाय फ्रेंड्स, आज हम हमारी गोल्डन गिर काऊ के मिल्क में से दही, छाछ, मक्खन और गोल्डन घी बनाएंगे। और इस घी को गोल्डन क्यों कहते हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलो, आज हमारी गाय का दूध से बना हुआ दही में से मक्खन और छाछ अलग कैसे निकालते हैं वो दिखाते हैं। चलो राधु, दही डालो इसमें। बस उसको पानी उसमें डालो और खंगाल के इसमें डाल दो। जितना दही है उतना पानी चाहिए, ठंडा पानी डालो, मिनिमम उतना पानी चाहिए, और ठंडा है तो सबसे अच्छी बात है। लो, ये ठंडा किया हुआ है, डाल दो सब, बस और थोड़ा पानी डालो, अभी कम है पानी। ये हो गया है, दिखता है बाहर से ठंडा है। बस बर्फ निकाल लो और पानी डाल दो। हाँ बस, अब वो रवैया लगा दो। अब उसको ये उसका जो फूल बोलते हैं वो पानी को टच होना चाहिए तब तक उसको उठा लेने का। हाँ, अब इसको थोड़ा टाइट करने का, ये लॉक किया और ये शुरू। अब इसको मिनिमम 20 मिनट तक चलाना पड़ेगा, तब उसमें से छाछ और मक्खन अलग होगा। ऐसे बना रहे थे, इसमें ये लकड़े वाला है, ये उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता था, श्रम भी बहुत ज़्यादा होता था, और ये बनता भी जल्दी है और बिना श्रम से। और ये 20 मिनट होने को है और इसका आवाज़ भी चेंज हो गया है, ऊपर से आवाज़ आ रही है। अब बंद करते हैं, आपको साफ दिखाई देगा मक्खन ऊपर आ गया होगा। देखो, ये मक्खन अलग हो गया है। बर्फ थोड़ा डालना है, बर्फ आइस, थोड़ा आइस डालना है, लो थोड़ा बर्फ। राजू, ये रवैया निकाल रहे हैं। ये बर्फ डाला है इसलिए मक्खन इकट्ठा हो गया। ये घुमाओ, ये मक्खन निकाल लिया है। अब हम मक्खन में से घी कैसे बनाते हैं वो भी दिखाते हैं। ये अब मक्खन में से घी बनाते हैं, ये जो अभी मक्खन निकाला,
उसको ऐसे आंच पे रखते हैं। निकालनी पड़ती है छाछ। हाँ, छाछ आ जाए और निकालना पड़े वरना थोड़ा टाइम ज्यादा लगे। उसको थोड़ा गर्म कर दो ना। हाँ, कर दे। क्या करूँ? ये 4-5 मिनट तक ऐसे उबाल आएगा और उसको कंट्रोल करना पड़े। यदि ये फायर आप स्लो नहीं कर सकते तो इसको उठा लो थोड़ी देर, लेकिन ये उबाल को कंट्रोल करना ही पड़े थोड़ी देर, बाद में वो अपने आप बैठ जाएगा। और मिनिमम इसको 30 से 40 मिनट तक उबालना पड़ेगा, तभी घी पकेगा। ये घी पकाते पकाते हम भी पक जाते हैं तब ये घी रेडी होता है। उसको थोड़ी आंच धीमी करो। ओके। स्लो आंच पे पकाना पड़े। देखो ये घी हमारा पक के रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। एक कीटा बोलते हैं हम इसको, ये ऊपर जो आया उसका वेस्ट है। और इसको हम अब हम छान लेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद, देखो। तो ये प्योर घी हो जाएगा। ये गीर गाय का शुद्ध घी है, जो बाजार में मिलने वाला घी नहीं है। ये इसकी प्योरिटी आपने देख ली, आपके सामने ही है। गाय का घी पचने में भी हमारे बॉडी को सबसे अच्छा है। इसका मेल्टिंग पावर, जो इसका पिघलने का पावर बोलते हैं, टेम्परेचर, वो हमारे बॉडी जैसा ही है। इसके कारण हम इसको खाते हैं तो ये पूरा हमारे शरीर में पिघल जाता है और हमको इसकी शक्ति मिलती है। जो और घी है होता है, मानो भैंस का घी होता है, उसका मेल्टिंग पावर बहुत ऊंचा है, इसलिए वो हमको पचता नहीं है। घी खाओ तो गाय का ही खाओ, क्योंकि ये हार्ट के लिए, शरीर के लिए सबसे उत्तम चीज़ है। जब कीटू बैठी नीचे, उसका वेस्ट बैठ गया। देखो आप नज़दीक लाके दिखाओ, ये प्योर रेडी हो गया है। ये नीचे बैठ गया, जो इसका वेस्ट था वो थोड़ी कुछ छाछ बचती है मक्खन में, उसमें से ये निकल जाता है। इसका कलर भी देखो, हाँ हल्दी जैसा कलर आता है, लेकिन ये गाय का की है इसलिए इसका कलर इतना आता ही है। समझ में नहीं आता, दिखाती हो इसमें देख के, इसमें दिखता ही है। अब इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया है तो हम अब इसको हम छान लेते हैं। तो इस घी के गोल्डन कलर की वजह से ही इस घी को गोल्डन घी कहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो आप हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
ये इतना कचरा निकलता है इसमें, छाछ का ही होता है, लेकिन ये गाय खा लेती है। हम गाय को वापसी जो धान देते हैं उसमें भी डाल देते हैं, या ज़्यादा है तो गाय के लिए कुछ खाना बनाते हैं उसमें डालते हैं। और ये घी हम 2000 रुपये किलो बेचते हैं, और हमारे पास कभी घी बचता नहीं है, हम खाने के लिए रख लेते हैं वही, बाकी जो भी है घी वो बेच ही देते हैं, और उसके इतने कस्टमर हमको मिल रहे हैं। और जो छाछ निकली वो हम गाय को पिला देते हैं, उसके जो उसको वो दाण खाती है उसमें हम छाछ मिला देते हैं और वो खा लेती है। अकेली छाछ दो तो भी वो पी लेती है, लेकिन अकेली छाछ में क्या सबके भाग में नहीं आती, इसलिए दान में ही मिला देते हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए।